वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट फाइव मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन कराई थी, एक बार उनका रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने करी थी फ्रॉम नाइट्रो, सेकंड होफमैन अमोनोलिसिस, थर्ड हमने करी थी फ्रॉम नाइट्राइड एंड आइसोनाइट्राइड, फोर्थ हमने करी थी किससे करी थी, फोर्थ हमने रिएक्शन फ्रॉम अमाइड, उसके बाद हमने फिफ्थ करी थी बाय नेम रिएक्शन जो क्या थी, गैब्रियल पैथैलामाइड रिएक्शन थी। तो आज हम सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे अमाइन की, जो एक बाय नेम रिएक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स नेम इज होफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। अब देखो, अगर हम ब्रोम अमाइड को देखें तो ये बेटा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ब्रोम प्लस अमाइड। अमाइड का मतलब RCONH2 अमाइड ग्रुप। अगर हम ब्रोम का वर्ड देखें तो इससे ब्रोमीन निकल रहा है, ब्रोमीन मतलब Br2। तो इन दोनों रिएक्टेंट को यूज करके हमने क्या प्रिपेयर करना है, अमाइन। और इस रिएक्शन से हम अमाइन को बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, RCONH2 अमाइड में हम ब्रोमीन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ एल्कोहलिक KOH। तो अमाइन कैसे प्रिपेयर होगा, R के साथ NH2 ग्रुप प्लस साथ में K2CO3 प्लस KBr प्लस H2O निकल जाएगा। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे हम। आपने इस रिएक्शन में एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, आपको ने लास्ट वीडियो में ऑब्जर्व किया होगा कि हमने अमाइड से अमाइन वहां पर भी प्रिपेयर किया था। हमने वहां पर क्या प्रिपेयर किया था, जब हमने अमाइड की रिडक्शन करी थी, ध्यान से देखो बेटा, रिडक्शन करी थी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो इसकी रिडक्शन से RCH2NH2 प्रिपेयर किया था। मतलब जितने कार्बन इधर थे उतने ही कार्बन इधर थे। बट होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या हुआ कि अमाइड तो है, इसकी रिडक्शन भी करी, बट इससे जो अमाइन प्रिपेयर हुआ उसमें से ये कार्बन स्किप हो गया। मींस कि होफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन से जो हम अमाइन प्रिपेयर करते हैं उसमें वन कार्बन लेस होगा, किससे, उसके रिएक्टेंट से। जबकि अगर हम सिंपल रिडक्शन करते हैं अमाइड की तो उससे सेम नंबर ऑफ कार्बन का अमाइन प्रिपेयर होता है। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना बेटा, कहीं पर भी एक कम कार्बन का अमाइन प्रिपेयर होगा फ्रॉम अमाइड तो तुम उसके लिए बाय नेम रिएक्शन करोगे, और वो बाय नेम रिएक्शन कौन सी है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये जनरल रिएक्शन है, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, कोई भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे इस R को मैंने दो कार्बन मान लिया, तो ये बन गया, क्या होगा इसका नेम, बोलो कितने कार्बन है, तीन, 1, 2, 3। थ्री के लिए क्या यूज करेंगे, प्रॉप फॉर सिंगल बॉन्ड A, और फॉर दिस अमाइड प्रोपेन अमाइड प्लस सेम वैसे ऐड करेंगे Br2, वैसे ऐड करेंगे KOH, क्या बनेगा, एक कार्बन प्रॉप है, एक कार्बन स्किप करना है, तो दो कार्बन का क्या बनेगा, अमाइन। वो एक कार्बन गया था, जो CO था वो CO3 की फॉर्म में बाहर निकल रहा, तो क्या रिलीज हो जाएंगे, सेम K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O, तो क्या बना, इथेन अमाइन। क्लियर है बेटा, नोट डाउन कर लो इसको, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। रिडक्शन ऑफ अजाइड, अजाइड की रिडक्शन करनी है। अगर हम अजाइड की बात करें तो ये आपने ये भी रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में करी हुई है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अजाइड, अजाइड क्या होता है, N3, जब तीन नाइट्रोजन जुड़ते हैं और साथ में इसके अगर हम NA जोड़ देते हैं तो इट इज कॉल्ड अ सोडियम अजाइड।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर की बात करी तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए दूसरा रिएक्टेंट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, हेलो एल्केन और हेलो अरीन। तो जब आप एल्काइल हैलाइड में सोडियम अजाइड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आर के साथ ये अजाइड ग्रुप NaX बाहर निकल जाएगा और आर के साथ N3 जुड़ जाएगा। तो जब आर के साथ N3 जुड़ गया तो इट इज कॉल्ड अ एल्काइल अजाइड, जिसकी हम फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कंडीशन कुछ भी ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो R अमाइन बनाना है तो अमाइन के लिए हमें एक N चाहिए, N रिडक्शन कर रहे हैं तो H वहां से मिल जाएंगे, प्लस N2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट 8, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन। अब जो ऑक्साइन है ध्यान से देखना बेटा, ऑक्साइन दो तरह के हो सकते हैं, एल्डो ऑक्साइन या फिर कीटो ऑक्साइन। अगर हम एल्डो ऑक्साइन की बात करें, एल्डो ऑक्साइन क्या है, हमारे पास होता है RCHO, एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एल्डो मींस क्या है, एल्डिहाइड, और इसमें कीटो मींस कीटोन, और कीटोन के लिए ये सिंबल होता है। और ऑक्साइन ग्रुप कौन सा होता है, NOH। तो अगर हम इसको लिखे, मैं इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो RCH डबल बॉन्ड NaOH, यहां से भी O को हटा के NOH। अगर मैं इसको खोल के बताऊं बेटा, देखो RC इसके साथ एक H डबल बॉन्ड NOH। तो यहां पर आप देखोगे नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट है, कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है। तो ये एल्डोक्साइन और कीटोक्साइन दोनों की ही रिडक्शन करने से आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। जैसे सबसे पहले अगर हम एल्डो ऑक्साइन की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के लिए आप क्या लिख सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर रेनी निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम भी लिख सकते हो। तो क्या होगा, अमाइन आर, ये वाला सी ऐसे ही रहेगा बेटा, और एक NH2, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, प्राइमरी अमाइन। अगर कीटो ऑक्साइन है ऐसे ही इसकी रिडक्शन करोगे तो इसकी रिडक्शन से भी क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमाइन। क्लियर है बेटा? अब जैसे इनका एक एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको ये रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे एल्डो एंजाइम में हमने और कीटो एंजाइम में जनरल हमने आर कंसीडर करा, जैसे इस आर की जगह हम सी ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, तो क्या नाम होगा इसका, ऑक्साइन इसके लिए है ना, और दो कार्बन है, मतलब नाम कैसे लिखोगे, देखो NOH ऑक्साइन है, इसको हटा के O लगा दें तो क्या बन जाएगा, इथेनल एल्डिहाइड है ना, और इथेनल का कॉमन नेम है एसिटल एल्डिहाइड, तो आप इसके आगे इथेनल ऑक्साइन भी लगा सकते हो, या फिर कॉमन नेम है वो आप एसिटल ऑक्साइन भी यूज कर सकते हो। तो इसकी हम रिडक्शन करेंगे सीधा, CH3 ये वाला C और ये वाला NH2। क्लियर है बेटा? नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकेंड लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन जो क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब देखो एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, RCHO। अगर हम कीटो ग्रुप की बात करें तो इसमें क्या है, ये कीटो ग्रुप है, R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एमिनेशन मतलब अमाइन बनेगा, अमाइन कहां से बनता है, जब हम अमोनिया ऐड करेंगे। जब हम अमोनिया ऐड करेंगे तो इसमें से क्या रिमूव होगा बेटा, वाटर। देखो H2 यहां से और O यहां से,
H2O रिमूव हो गया, तो क्या रह गया RCH, अगर हम O के साथ देखें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड NH, और जब डबल बॉन्ड NH आता है तो ये क्या बनता है, एन इमाइन। अभी पैथैली इमाइड में आपको बताया था इमाइन क्या होता है, NH। फर्दर हम इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, RCH2 NH2 प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ऐसी अगर कीटोन है, कीटोन में भी अमोनिया ऐड करा, क्या H2 और O बाहर निकल गया, RCR डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गया आपके पास, ये भी इमाइन बन गया, इसकी भी रिडक्शन करेंगे RCRH NH2, इससे भी प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर हो गया, क्लियर है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एमिएशन। ये इस नाम से बहुत ही फेमस है कि जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को अमाइन में कन्वर्ट करते हैं बाय रिएक्टिंग विद अमोनिया। उसके बाद हम लास्ट करेंगे इसकी, लास्ट इज बाय नेम रिएक्शन, दैट इज अ स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बाय नेम। इसमें हम अमाइन को प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOH। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्राजोइक एसिड। हाइड्राजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, N3H। अगर हम NH3 लिखते हैं तो अमोनिया, बट जब N3H लिख देते हैं तो इट इज अ हाइड्राजोइक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें भी याद रखना है बेटा, आपने जो अमाइन बनेगा वो एक कार्बन लेस का बनेगा, जैसे होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में बना था। तो ये वाला जो सिर्फ R लेंगे, R के साथ यहां से क्या जुड़ गया, एक N, NH2, दो N रह गए, दो N बाहर निकल गए, यहां से COO और H किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, CO2। अगर हम देखो R, एक N यहां से यूज हुआ, दो H, NH2, दो N बाहर निकल गए और CO2 रह गया। देखो इसमें ये जोड़ रही हूं मैं N3H, R, एक N यूज हो गया, दो N, N2 की फॉर्म में बाहर चले गए, और जो एक N था ये वाले दो NH2 बन गए और CO2 बाहर। तो दिस इज अ स्मिथ रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन प्रिपेयर होता है। याद रखना है वन लेस कार्बन का। तो इस पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने बाय नेम रिएक्शंस तो लर्न करोगे ही करोगे, साथ में दो बातें और याद रखोगे कि अगर एक कम नंबर ऑफ कार्बन का अमाइन प्रिपेयर करते हैं तो वो हम किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हम एक अमाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक हम कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब अमाइड से प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्मिथ रिएक्शन। और दोनों से ही अमाइन जो प्रिपेयर होता है वो एक लेस कार्बन का प्रिपेयर होता है। इसी के साथ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फिनिश होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।